नमस्कार, मैं शेफ सीमा स्वाद अनुसार पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश भुना मसाला। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम खाना बनाते हैं, हम अपनी सब्जियाँ धोते हैं, हम बर्तन धोते हैं, हम फिश धोते हैं, पर कभी हमने अपनी किचन टेबल को साफ करने का सोचा है, जहाँ पर हम खाना पकाते हैं? जिस टेबल पे हम खाना बनाते हैं, क्या वो पूरी तरीके से साफ है? ये है सेवलॉन स्प्रे एंड वाइप, जो हमारे किचन सर्फेसिस को साफ रखता है, हमारे डाइनिंग टेबल्स को, रेफ्रिजरेटर्स को एकदम क्लीन और डिसइंफेक्टेंट रखता है। तो हमारा सबसे पहले स्टेप है किचन को क्लीन और डिसइंफेक्टेंट करने का सेवलॉन स्प्रे एंड वाइप के साथ। अब बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। तो ये ली है मैंने 1 किलो रावस। आप अपने मनपसंद की कोई भी फिश ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह धो के और ड्राई कर लिया है और अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए। इसके बाद डलेगा लाल मिर्ची पाउडर। मिर्च भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। किसी को तीखा ज़्यादा पसंद है, किसी को कम तीखा पसंद है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसमें 1/2 टीस्पून हरी मिर्चों की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून से थोड़ा और डाल लिया है। इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 टीस्पून तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तेल जो मैंने इसमें यूज़ किया है, ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। ये मच्छी को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और इसे करीबन 1 घंटे तक रखेंगे। फिश को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम फिश को फ्राई करते हैं। गैस शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और इसे एकदम स्मोकिंग पॉइंट पे लाएंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। आप देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है। तेल एकदम स्मोकिंग पॉइंट पे आ गया है। अब गैस बंद करते हैं और वेट करेंगे कि तेल ठंडा हो जाए। तेल ठंडा हो चुका है, गैस शुरू करते हैं और इसे फिर एक बार गरम करेंगे। अब फिश फ्राई करते हैं। फिश एक साइड से हो चुकी है, अब हम इसे पलट देते हैं। फिश अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। फिश को इसलिए फ्राई करते हैं ताकि ग्रेवी में हमारी फिश टूट ना जाए। अब फिश का मसाला बनाते हैं। ये कढ़ाई रखी है मसाले के लिए। अब फिर इसमें जाएगा सरसों का तेल, मस्टर्ड तेल, और इसे एक स्मोकिंग पॉइंट पे लेके आएंगे।
जब तक तेल स्मोकिंग पॉइंट पे आता है हम प्याज काट लेते हैं। इसे हम लंबा लंबा काटेंगे। आप देख सकते हैं तेल में धुआं उठ रहा है, मतलब इट हैज रीच स्मोकिंग पॉइंट। गैस बंद करते हैं और तेल को ठंडा होने देते हैं। साउथ इंडिया में जैसे हर चीज़ के लिए साउथ इंडियंस कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, उसी तरह नॉर्थ इंडिया में सब लोग सरसों का तेल यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। सरसों के तेल के बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है। पंजाब में सरसों के तेल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पकौड़े भी सरसों के तेल में बनते हैं, सब्जियां भी सरसों के तेल में बनती हैं और अचार भी सरसों के तेल में डलता है। ये तकरीबन हमने 2.5 प्याज काट लिया है। गैस फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, इसके बाद डालेंगे 2 हरी मिर्चें, इसके बाद 2.5 प्याज। इसे अच्छे से चला लेंगे। प्याज को अच्छा गुलाबी रंग करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब तक प्याज गुलाबी होते हैं हम टमाटर काट लेते हैं। प्याज अच्छे से गुलाबी हो चुके हैं, अब डलेगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे टमाटर। इसमें करीबन 4 टमाटर डाले हैं, मीडियम साइज के 4 टमाटर। अब डालेंगे इसमें सूखे मसाले, 1 चम्मच नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/4 कटोरी पानी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मिक्स करके 5-7 मिनट तक इसे पकने देंगे। मसाला हमारा हो चुका है, अब इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं और फिर इसे पीस लेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे। हल्का पानी डालेंगे। ये पीसे हुए मसाले को कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालते हैं। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। इसमें मैंने कुछ फिश के पीसेस निकाल के रखे हुए हैं, उसको मैं ग्रेवी में डाल देती हूँ। इसमें एक और पीस फिश का तोड़ के डाल देती हूँ। मसाला एकदम तैयार है। फिश को हल्का सा हम मसाले में छोड़ेंगे ताकि ये टूटे नहीं। इसे 2 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे। भुना फिश मसाला एकदम तैयार है, इसे अब हम प्लेट करते हैं। गैस बंद करते हैं।
ये रही फिश भुना मसाला रेसिपी एकदम तैयार। इसे ज़रूर बनाइए और अपने कमेंट सेक्शन पे हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन हर एक स्टेप पे ज़रूरी है, कुकिंग के पहले भी और कुकिंग के बाद भी। इसलिए मैं दोबारा अपनी रेसिपी के बाद अपना किचन टेबल साफ़ करती हूँ सैवलॉन स्प्रे और वाइप के साथ।